अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह की रहमत और फजल से सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज रमज़ानुल मुबारक का पहला जुमातुल मुबारक है। वैसे तो रमज़ान का पूरा महीना ही रहमतों और बरकतों वाला महीना होता है, लेकिन जो जुमे का दिन होता है वो ख़ास अफजल और फजीलत वाला दिन होता है। हमें चाहिए कि इस महीने ज़्यादा से ज़्यादा जिक्रोज़कार करें और अल्लाह की इबादत करें और कुरान पाक की तलावत करें। इस महीने एक नेकी भी करें तो उसका 70 गुना सवाब मिलता है। यह बहुत ही रहमतों और बरकतों वाला माह होता है। इस महीने हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। मैं तो सहरी करके और नमाज़ पढ़ के सो गया था, अभी उठा हूँ। अभी तकरीबन 10:30 का टाइम हो रहा है और अभी चलते हैं, जुमे की तैयारी करते हैं, नहाते हैं और फिर जाएंगे जी जुमा पढ़ने, और आप भाइयों को भी साथ दिखाएंगे। तो अभी मैं नहाने जा रहा था और भाई कहने लगे कि नहाने से पहले यार सर पे ऑयल लगवा लो, वो अच्छा होता है। तो उन्होंने खुद तो नहा ली है, तो उन्होंने वो हसन को भेजा है कि इसके सर पे ऑयल लगाओ। जी तो भाई के कहने पे आयल तो मैंने लगवाया, काफ़ी दिनों के बाद आयल सर पे लगवाया, तो बड़ा सुकून महसूस हो रहा है। अभी सर बहुत हल्का हल्का महसूस हो रहा है। तो अभी जाते हैं, नहाते हैं और फिर जुमे के लिए जाते हैं कपड़े वगैरह चेंज करके। जी तो नहा के कपड़े तो चेंज कर लिए हैं और अभी जुमा पढ़ने के लिए जाने लगा हूँ मैं। तो आइए चलते हैं फिर। जुमा पढ़ने हम जा रहे हैं। हमारा घर जो है ना वो गांव से थोड़ा बाहर है, तो मस्जिद गांव के दरमियान में है, तो इसलिए 2-4 मिनट लगेंगे जाते वक्त। الله اكبر الله اكبر जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज़ अदा कर ली है हमने और अभी घर वापस जा रहे हैं।